टीम रेवेनेंट एंड टीम गॉडलाइक पूरे पॉइंट्स टेबल के अंदर टॉप की अगर बात करें टॉप फाइव के अंदर, तो चौथे पोजीशन में आईक्यू सोल, टॉप पे है रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स, सेकंड पे है टीम गॉडलाइक। तो कुछ भी हो सकता है, एक शफल भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन उसके लिए टीम आईक्यू सोल को बहुत अच्छा करना होगा और टीम गॉडलाइक और रेवेनेंट के बीच में तो चल ही रहा है, बट सेम पे इधर कुक करते हुए उनका ये ग्रेनेड और कनेक्ट होगा कि नहीं, चलिए इस बार तो शायद नहीं हो पाएगा, बट पोजीशन के बारे में आइडिया लग चुका है जो कि गॉडलाइक के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। यूटिलिटी यूसेज बहुत स्मार्टली करना पड़ेगा क्योंकि रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स बाहर हैं। अब ये फाइट में टीम आईक्यू सोल ना घुस जाए क्योंकि देखिए उनकी गाड़ियां भी यहाँ पे मंडरा रहे हैं, देखिए पीछे वहां पे यस आए, बिल्कुल आए, एक्विनॉक्स यहाँ पे नॉक निकाला है। तीन तीन टीमों के बीच में यहाँ पे फाइट हो स्टार्ट हो चुका है, रेवेनेंट और गॉडलाइक, पीछे से आए टीम आईक्यू सोल, उनको परेशानी में डाला गया है, फियर्स के ग्रेनेड से सिंप नॉक हुए, पंक वहां पे नॉक हो चुके हैं। ये गेमा गेमी में इतना ज्यादा कंफ्यूजन, कौन किसको मार रहा है, ये प्लेयर्स को तो छोड़िए हमें भी यहाँ पे समझ पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे टीटीआर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए और उसी जगह पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल इधर क्रिएट होता हुआ देखने के लिए मिल रहा था, बट सेंसे इधर मौजूद, एडमिन उनको स्पॉट तो कर चुके हैं, लेकिन इधर से शायद उनको डाउन करना उतना इजी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और कंपाउंड के अंदर रहना वो भी एक रिस्क फैक्टर है क्योंकि अगर बाहर से कोई भी ग्रेनेड उड़ता हुआ आता है तो वो एक लड्डू की तरह होगा जो पॉइजनस होगा और इनका काम तमाम हो सकता है। बट जेली इधर उनका हो चुका है समाप्ति और सिर्फ तीन ही प्लेयर के साथ इधर सर्वाइव करते हुए देखने के लिए मिलेंगे टीम गॉडलाइक। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं टीम रेवेनेंट की, तो उनके पास है दो प्लेयर्स, सवितार इधर नॉक हो चुके हैं, टीम मेडल ईस्पोर्ट्स वो भी बिल्कुल भी इजिली नहीं छोड़ना चाहते, सबसे ज्यादा प्लेयर्स भी इनके पास ही मौजूद, और ये प्लेयर एडवांटेज का जो आउटकम है क्या उनको ऐसा चिकन डिनर इधर से मिल सकता है क्योंकि बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, बट एक्विनॉक्स उनका हो चुका है काम तमाम और टीम गॉडलाइक के सिंप इधर वो फिनिशेस पॉइंट निकालते हुए देखने के लिए मिले, बहुत ही लाजवाब खेल, पांच फिनिशेस आ चुका है, कंपाउंड उनके पास है, जोनाथन मौजूद है, सब मिलाके अभी बचना होगा टीम मेडल ईस्पोर्ट्स से। मिडल स्पोर्ट्स जैसे कि आपने कहा चारों के चारों खिलाड़ी जिंदा हैं, गॉडलाइक के पास ये एक लग्जरी है स्टार्टिंग से है कि कंपाउंड के अंदर बैठे हुए हैं, बट कब तक, यूटिलिटीज बहुत ज्यादा उनके ऊपर यूज की जा रही हैं, क्रेट्स बहुत आसपास हैं तो स्मोक्स की कमियां होनी नहीं चाहिए। जोनाथन के पास अभी भी देखिए नहीं, उनके पास भी स्मोक्स है नहीं, ना ही ग्रेनेड है, जो भी था वो यूज हो चुका है टीटीआर, तो अब करे तो करे क्या, स्टेज एट का जो सर्कल है वो मूव इन होना चालू हो चुका है। मेरे को तो लगता है अब जो काम है वो मेडल और विंड गॉड ही करेंगे, गॉडलाइक बस उसमें थर्ड पार्टी करने वाले हैं, वेट कर रहे हैं, हायर ग्राउंड का एडवांटेज है यहाँ पे जोनाथन के पास, लेकिन संयम ने विंड गॉड के मैक्स को एलिमिनेट कर दिया है, मैक्स का फिनिश यहाँ पे मिल जाएगा। दो प्लेयर्स के साथ विंड गॉड क्या कर सकते हैं, केवीआर ने यहाँ पे सवितार को भी नॉक कर दिया है, तो ये जो पिंच कर रहे हैं ना इसका फायदा मिल सकता है, इंस्टेंट नॉक निकाला केवीआर के ऊपर, बट मेडल के पास अभी भी तीन खिलाड़ी जिंदा है, एडमिनो संयम को यहाँ पे नॉक तो करते हैं बट फिनिश निकाल नहीं पाए हैं। देखिए इसी के साथ विंड गॉड का खात्मा हो चुका है, अब खेल बन चुका है मेडल वर्सेस गॉडलाइक का। जी हाँ, और धीरे धीरे अगर देखा जाए टीम गॉडलाइक, उनको इन्फॉर्मेशन है कि जो उनके ओपोनेंट्स है वो किधर छुपे हैं या फिर कौन सी जगह पे होल्ड कर सकते हैं, बट नो, जो जिंदा है उनके बारे में पता नहीं, बट जो नॉक हो चुके हैं उनके इन्फॉर्मेशन उनके पास है, बट ये रिस्की हो सकता है क्योंकि अगर वो ओपन में जाएंगे प्रॉब्लम होगा, जिसके वजह से स्मोक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एडमिनो संयम को पूरा फिनिश करेंगे, बट तीन प्लेयर्स मौजूद है, 3v2 का सिनेरियो, कोई भी तरफ ये खेल जा सकता है, मिडिल ईस्पोर्ट्स को जस्ट इधर होल्ड करना होगा क्योंकि उनको पता है कि किस एंगल से निकल के आ सकते हैं गॉडलाइक, बट गॉडलाइक को नहीं पता कि उनके ऊपर कौन कौन से एंगल से शॉट्स आ सकते हैं क्योंकि ओपन एरिया है, और ये जो रिच है ये रिच का फायदा पैराडॉक्स को उठाना होगा, ये एक गोल्डन चांस है टीम मेडल ईस्पोर्ट्स के लिए क्योंकि बहुत दिन से कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो चिकन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पॉइंट्स टेबल पे अभी भी सेकंड पोजीशन में है, और टीम गॉडलाइक के पास एक चांस है कि वो इधर से अपना जगह जो है वो एकदम टॉप पे बनाए और टीम रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स को पीछे छोड़ दे। एडमिन हो दो चार शॉट्स इधर कनेक्ट हुए जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा रिस्क फैक्टर आ गया था, ग्रेनेड कनेक्शन हो सकता है, डार्क लॉर्ड नॉकआउट, आखिरी प्लेयर उनका भी काम तमाम होता हुआ दिख सकता है, बट नहीं अभी रुकना होगा, क्यों अभी क्यों मुश्किल, जोनाथन के ऊपर पूरा भारी पड़ते हुए चोट लिया जाएगा और आखिर में टीम गॉडलाइक आउटशाइन कर देंगे टीम मेडल ईस्पोर्ट्स को और